वेलकम बच्चों टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकोश आज हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे और हमारे फर्स्ट सेशन में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सेमीकंडक्टर का देन वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी अलोन ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी बैंड फॉर्मेशन ऑफ अ सेमी बेसिकली

Soon in the 19th century, हमने क्या देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन में बहुत सारा बिकॉज ऑफ सेमी अच्छा हमने देखा होगा जैसे कि हम मोबाइल या लैपटॉप ओपन करते हैं तो उसमें हमारी एक मदरबोर्ड एक मेन चिप होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर के या ग्रीन कलर के डिवाइस लगे रहते हैं वो क्या होते हैं वो सेमी होते हैं देन आप लोगों ने देखा होगा पहले हम जो बल्ब यूज करते थे वो बहुत हीटअप हो जाता था उसको हम क्या बोलते थे कॉलिंग इट एज एन बल्ब अब हम क्या यूज करते हैं हम आजकल एलईडी बल्ब यूज करते हैं अगेन एलईडी इज व्हाट एलईडी अ सेमीकंडक्टर जिससे हमारी एनर्जी बहुत कंजर्व होती है टीवी टीवी हम पहले देखते बहुत बल्कि सी हावी सी टीवी टीवी होती होती थी अब क्या होती? बहुत ही थिन सीप टीवी बनाते हैं हम है एलईडी टीवी है एलईडी अगेन इट इज अ कंडक्टर नाउ हमने देखा होगा अपने रूफटॉप में हम बहुत सारे पैनल्स लगाए रहते हैं उसका काम क्या होता है सोलर पैनल का, का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना यूजिंग द सनलाइट वो भी हमारा सेमीकंडक्टर से ही बना होता है तो हमने देखा थी, सेमी सेमीकंडक्टर के बहुत सारे सब आ, काम है हर एक फील्ड में हमने सेमी को यूज किया जिसके कारण हमारी टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया नाउ लेट्स कम टू द मेन डेफिनेशन ऑफ़ द सेमी कंडक्टर मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन दैट ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो वो सिल्वर होता है मोस्ट कॉमन यूज कंडक्टर हमारा कॉपर होता है और इंसुलेटर का हम यूज करते हैं वायर की आउटर कोटिंग के लिए होता है या हम ट्रांसमिशन लाइन में जब हम पोल्स में वायर को जोड़ते हैं तो उसके लिए हम इंसुलेटर का यूज करते हैं लेकिन सेमीकंडक्टर का यूज हम कहा करते हैं अब हम ये समझते हैं सेमीकंडक्टर क्यों यूज करते हैं चलिए पहले ये बात समझ लेते हैं सेमी कंडक्टर को यूज करने के दो मेन रीजन है पहली इंपॉर्टेंस है सेमी कंडक्टर की उसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल्ड कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी

अगर हम उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हो सकती है नाउ अब ये बात करते हैं कि थे तो सेमीकंडक्टर के पहले हमारे डिवाइस होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स तो वैक्यूम ट्यूब्स हमारे क्या होते थे इस तरह के डिवाइस होते थे जिसमें हम क्या देखते थे हमारा एक कैथोड और एक हमारे एनोड होता था इस कैथोड एनोड के बीच में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते थे इस इलेक्ट्रॉन बीम को हम कंट्रोल कर सकते थे बाय अ वोल्टेज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को हम कंट्रोल करते थे दैट इज बेसिकली वी आर कंट्रोलिंग दी करंट लेकिन इसके बहुत से सारे हमारे डीमेरिट्स थे क्या डीमेरिट्स थे बहुत बड़ी साइज की इसकी तो हम छोटे डिवाइसेस नहीं बना सकते थे ये बहुत हाई पावर पे काम करता था इसकी लाइफ भी कम होती थी वैक्यूम चाहिए रहता था इसके अंदर हमें जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड ना करे रिला भी इसकी कम होती थी वेरी हाई वोल्टेज बिटवीन इन सारे इश्यूज को हमारे सेमीकंडक्टर ने रिजॉल्व किया अब हमारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस के तो उसमें जो भी वैक्यूम ट्यूब डिमेरिट थे वो सारे हटा दिए गए अब हम बात करते हैं तो इन देंचुरी

और जर्मेनियम तो जर्मेनियम या सिलिकॉन हमारे दो सेमीकंडक्टर हो गए दैट इज इन द एलिमेंटल फॉर्म कंपाउंड में हमारे ऑर्गेनिक हो सकते हैं इनऑर्गेनिक हो सकते हैं तो अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो जैसे गैलियम आर्सनाइड हो गया इंडियम फॉस्फाइड हो गया ये हमारे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गए और ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो एंथ्रोसिन हो गया पॉलिनीलाइन हो गया ये हमारे ऑर्गेनिक हो गए नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी अगर हमें कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर को क्लासिफाई करना है तो बिटवीन द रेंज ऑफ टेन की पावर माइनस टू टू टेन की पावर माइनस एट ओ मीटर होता है तो हम क्या कहते हैं वो कंडक्टर है एंड बिटवीन टेन की पावर माइनस फाइव टू टेन की पावर सिक्स ओ मीटर होता है तो हम कहते हैं एंड फॉर द इंसुलेटर वी से रेंज इज फ्रॉम टेन की पावर इलेवन टू टेन की पावर

लेकिन अगर हम सारे एटम को एक दूसरे से बहुत पास लाते जाते हैं तो हम क्या देखते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है या तो थोड़ी कम हो जाएगी या तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी अब हम क्या देख रहे हैं जो हमारे एन एटम्स के एन इलेक्ट्रॉन है उन सारे की एनर्जी एक दूसरे से अलग अलग है एंड दिस इज विल फॉर्म एनर्जी बैंड नाउ uh, हम सिलिकॉन को डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं द कंफिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन सो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के लिए हमें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए दैट इज फोर्टीन सो इट विल बी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंफ़िगरेशन हो गया सिलिकॉन का अब अगर हम एन एटम्स को सपोज करते हैं तो अगर एन एटम को कंसीडर करें तो टोटल एक में कितने यहां पे हमें दिख रहे हैं electron, एक 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 में कितने फोर एन तो अगर नंबर ऑफ एटम्स एन होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फोर और कितने हमारी पॉसिबिलिटीज हैं एस में हमारे दो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन रखने के और पी में कितने हैं हमारी सिक्स है तो एक एटम में आउटर मोस्ट में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रॉन के रहने की एट पॉसिबिलिटीज हैं तो अगर हम एन एटम्स की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विल एट एन नाउ नेक्स्ट वी विल बी फॉर्मिंग द डायग्राम बेसिकली ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स ओके लेट सी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स तो अब हम पे क्या देख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6 हमारे अंदर के एनर्जी लेवल्स हैं तो जब हमारे एटम्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो इनकी एनर्जी में भी चेंजेस होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते तो हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज थ्री एस टू एंड थ्री पी टू तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं एटम इनकी स्पेसिंग धीमे धीमे इधर की तरफ जाए तो हम एटम को पास ला रहे हैं पास ला रहे हैं तो हमने क्या देखा थ्री एस टू थ्री पी टू यहाँ पे ब्रेक होना शुरू किए तो यहां पे बैंड लगे एक यहां क्लोज एनर्जी लेवल्स आ गए बहुत सारे तो यहाँ पे एनर्जी लेवल अलग अलग हो रही है इसलिए एनर्जी बैंड्स बनते चले जा रहे हैं हम हमारी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को कम करते जाते हैं कम करते जाते हैं और फाइनली हम क्या देखते हैं जब हमारी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग के बराबर होती है तो हमारे दो अलग अलग एनर्जी बैंड्स बन गए हैं जो नीचे वाला बैंड है जिसकी एनर्जी कम है उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड और ऊपर वाले को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड तो ये का मतलब है पे बहुत सारे क्लोज एनर्जी लेवल्स हैं और इसी तरह कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे क्लोज एनर्जी लेवल्स हैं अब वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो अभी भी अपने एटम से बाउंडेड है और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो अब अपने एटम से बाउंडेड नहीं है फ्री टू मूव होते हैं लेकिन दैट इज वॉट बी से इलेक्ट्रॉन हो गए और कंडक्शन अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उछल के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी दैट इज नोन एज अ फॉर फॉरबिटेन एनर्जी गैप अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप देते हो इतनी एनर्जी देते हो तो वो चल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा एंड एंड नाउ इट इट इज फ्री टू मूव कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो वैलेंस बैंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज स्टिल बाउंडेड बाई द न्यूक्लियस एंड कंडक्शन बैंड द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव सो लेट्स सी द फाइनल डायग्राम हाउ बी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमी कंडक्टर तो यहां पे हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड कैसे होता है लेकिन अगर क्वेश्चन आई थी ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ सेमी कंडक्टर तो हमें कौन सा डायग्राम बनाना होगा लेट सी इट ओके नाउ लेट सी द एनर्जी बैंड डायग्राम इन ऑफ अ सिलिकॉन एट जीरो केल्विन एट टू सेवेंटी थ्री केल्विन एंड एट रूम टेम्परेचर तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हर एक एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं और कंडक्शन बैंड को हम टोटली totally एमटी देख सकते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है हमारे दैट इज इन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर इनके बीच की जो एनर्जी गैप है उसको हम कहते हैं ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज अ फॉरबिडन एनर्जी गैप तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी जो कि रूम टेम्परेचर में मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और जहां पे एक स्पेसिंग एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इस वैकेंसी को हम कहते हैं होल्स तो हम देख रहे हैं अब हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पॉसिबल है इनके लिए बट जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं दैट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ओके सो इन दिस सेशन वी आर एंडिंग गेंड� से In the next section, we will uh, see the points onwards. Thank you.